मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 5, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हम पढ़े थे सब्सटेंसेस मतलब क्या है, कोई एक चीज को बोला जाता है सब्सटेंसेस, पिछले चैप्टर में पढ़े थे। लेकिन सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, बहुत सारे चीज को सेपरेट मतलब अलग अलग कैसे करेंगे, ये वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। देयर आर मेनी सब्सटेंसेस अराउंड अस लाइक ईटेबल नॉन ईटेबल्स एंड अदर यूजफुल थिंग्स। हमारे जो जितना भी मेन बहुत सारे सब्सटेंस रहता है हमारे चारों तरफ, जैसे कि कितना खाने का योग्य है, कितना नहीं खाने का योग्य है, और कितना यूजफुल भी थिंग्स रहता है। बट वी ऑलवेज प्रीफर टू हैव प्योर सब्सटेंस टू कीप देम सेफ एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी डिस्ट्रक्शन। तो हर वक्त हम कैसा वाला खाना या फिर कोई चीज़ चाहिए होता है हमको, हम डिपेंड होते हैं प्योर सब्सटेंस मतलब कोई भी चीज़ इम्प्योर ना हो, प्योर ही चीज़ को हम सब प्रीफर करते हैं मतलब डिपेंड करते हैं। सिमिलरली जैसे कि यू नीड प्योर मिल्क और प्योर फूड टू कीप योर सेल्फ हेल्दी, क्योंकि हम प्योर खाना खाना चाहते हैं, जैसे कि प्योर मिल्क, प्योर खाना, प्योर फूड। तो ऐसा वाला खाना खाने से क्या होगा, हमारा हेल्थ जो है बहुत अच्छा रहेगा, हमारा बॉडी जो है बहुत अच्छा रहेगा। यू नीड पेट्रोल टू ड्राइव योर कार, बट यू नीड प्योर पेट्रोल सो दैट योर व्हीकल विल नॉट बी डैमेज। हमारे कार जो है उसको चलाने के लिए हमें प्योर वाला पेट्रोल चाहिए, ठीक है। अगर हम प्योर वाले पेट्रोल से हमारा कार जो है चलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, डैमेज नहीं होगा, हमारा जो व्हीकल्स है वो जल्दी डैमेज नहीं होगा। दस ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एलिमेंट और कंपाउंड हैविंग द सेम प्रॉपर्टी। तो देखो प्योर सब्सटेंस क्या है, प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एलिमेंट और कंपाउंड हैविंग ए सेम प्रॉपर्टी। एक सेम प्रॉपर्टी के, एक सेम प्रॉपर्टी दिखाने वाला एक एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट को बोला जाता है प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट मतलब क्या है, कोई एक अणु या फिर कोई एक आइटम, कोई एक चीज़ को बोला जाता है एलिमेंट। तो एक सिंगल एलिमेंट या फिर कंपाउंड को सेम प्रॉपर्टी का जब होता है तो उसको बोला जाता है प्योर सब्सटेंस। तुम आगे पढ़ने से ठीक से समझ जाओगे। इफ एनी अदर सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी इज एडेड टू इट, इट इज कॉल्ड एज एन इम्प्योर सब्सटेंस। लेकिन अलग अलग प्रॉपर्टी वाला सब्सटेंस को एक साथ मिलाने को बोला जाता है इम्प्योर सब्सटेंस। अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाने वाले सब्सटेंस मिलाने को बोला जाता है इम्प्योर सब्सटेंस। दिस इम्प्योर सब्सटेंसेस में भी हार्मफुल और अनडिजरेबल। तो क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस जो है हमारे लिए हार्मफुल भी होता है मतलब हमारे हमको क्षति भी पहुंचाता है, और अनडिजरेबल मतलब अनयूजफुल भी होता है। तो हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस विच चेंज द प्योर सब्सटेंस इनटू एन इम्प्योर सब्सटेंस आर कॉल्ड इम्प्योरिटीज। देखो कोई एक हार्मफुल चीज़ को एक इम्प्योर चीज़ से हार्मफुल चीज़ को अलग करने को बोला जाता है इम्प्योरिटीज। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए सब्सटेंस फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन। कोई एक चीज़ में इम्प्योरिटीज ना हो, कैसे वहाँ पे इम्प्योरिटीज नहीं रहेगा मतलब अनयूजफुल चीज़ नहीं रहेगा, उसको बोला जाता है प्यूरिफिकेशन मतलब वो पूरा ठीक है हमारे बॉडी के लिए या फिर हमें यूज़ करने के लिए बहुत ठीक है। बिफोर लर्निंग अबाउट प्यूरिफिकेशन मेथड लेट अस फर्स्ट स्टडी अबाउट मिक्सिंग एंड देयर प्रॉपर्टीज। हमें प्यूरिफिकेशन जानने के पहले हमें थोड़ा पढ़ना है मिक्सचर और उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। देखो पहले पढ़ेंगे अभी मिक्सचर। व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी आर मिक्स्ड टुगेदर द प्रोडक्ट इज कॉल्ड मिक्सचर। अभी यहाँ पे मैं बोली थी कि टू और
उससे ज़्यादा, दो और उससे ज़्यादा एलिमेंट और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाला एलिमेंट एक साथ मिलने को, मिक्स होने को बोला जाता है मिक्सचर। देयर आर टू टाइप ऑफ मिक्सचर नोन एज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हमारे जो मिक्सचर होता है वो कितना टाइप का होता है? टू टाइप का। क्या क्या? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। याद रखो मिक्सचर कितना टाइप का है? टू टाइप का है। क्या क्या? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस व्हेन ऑल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर हैव हैविंग वन स्टेट ऑफ मैटर, जैसे कि लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। देखो कोई कंपोनेंट जब मिक्सचर होता है, जब मिक्स होता है, जब मिलता है, तो वो एक ही स्टेट का होना चाहिए, स्टेट ऑफ मैटर होना चाहिए। जैसे कि क्या क्या? सॉलिड हो या फिर लिक्विड हो या फिर गैस हो, सब एक स्टेट ऑफ मैटर का होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखो, व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विथ मिल्क, इट्स मिक्सचर इज वन स्टेट ऑफ मैटर, दैट इज लिक्विड। देखो मिल्क के साथ वाटर मिल गया तो दोनों लिक्विड है, दोनों का प्रॉपर्टी सेम है, तो दोनों मिल गए, तो वो पूरा मिल गए, तो उसको होता है होमोजीनियस। और वो दोनों क्या है? लिक्विड है। तो दोनों ठीक से मिल गए, हमें पता भी नहीं चला कितने मिल्क में कितना वाटर मिला गया है, तो प्योरली मिल गया, तो उसको बोला जाता है होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस, देखो इन हेट्रोजीनियस मिक्सचर द मिक्सचर हैज मोर देन वन स्टेट ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सैंड इज मिक्स्ड विथ वाटर, इट इज नॉट मिक्सेबल इन वाटर। देखो हेट्रोजीनियस क्या है? अलग से एक स्टेट ऑफ मैटर के साथ दूसरा स्टेट ऑफ मैटर मिल जाने से। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सैंड और वाटर, सैंड और वाटर मिल पाएंगे क्या? कभी नहीं। सैंड है सॉलिड लेकिन वाटर है लिक्विड, वो दोनों नहीं मिल पाएंगे, तो वो हुआ हेट्रोजीनियस। ठीक है, दस इट हैज टू स्टेट्स ऑफ मैटर। टू स्टेट ऑफ मैटर हुआ, एक लिक्विड एंड एक सॉलिड। देखो मिक्सचर दिया गया है यहाँ पे, मिक्सचर कितना टाइप का है? टू टाइप, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस क्या है? मिल्क के साथ वाटर मिल गया, तो दोनों लिक्विड लिक्विड मिला, तो ये पूरा एक साथ मिल गए, तो ये हुआ होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या है? सैंड के साथ वाटर मिला, एक सॉलिड और एक लिक्विड, तो ये है हेट्रोजीनियस। दोनों नहीं मिल पाए ठीक से,